जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, जितनी भी गोपियां हैं और सभी गोपियां गा रही हैं, आप भी गाओ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने प्रवेश किया, सब जो ग्वालियर थी वो धा धन्ना कर रही थी। भोलेनाथ जैसे ही प्रवेश किया, वो धा धमाधम अपना वही तांडव शुरू कर दिया भोलेनाथ ने तो। और भगवान कृष्ण समझ गए तो, देख के बोले बाबा को, तब बोले हैं कन्हाई, बोले हैं कन्हाई, बोले हैं कन्हाई, बोले हैं कन्हाई। अरे सब आई हैं बिन घूमट ये घूमट में क्यों आई, सब आई हैं बिन घूमट ये घूमट में क्यों आई। पकड़ी जाके कलाई कलाई कि देख के भोले बाबा को, तब बोले हैं कन्हाई। अरे सब आई हैं बिन घूमट ये घूमट में क्यों आई, पकड़ी जाके कलाई कलाई। और भोलेनाथ से हाथ छुड़ा करके, भगवान कृष्ण से भोलेनाथ हाथ छुड़ा करके जैसे ही भगने लगे, तो पार्वती से पूछा कि पार्वती ये नई नवेली गोपी कौन है। माने मेरी सहेली है, पर मुंह क्यों ना दिखा रही। माने भोलेनाथ नई नई शादी हुई है। भोलेनाथ समझ तो गए, उनके पैरों को देख करके शमशान की भभूति लग रही थी। कहने लगे कि सहेली है, सहेला है। तो भगवान कृष्ण ने भी कह दिया कि पाले पड़ी है गोरी, पाले पड़ी है गोरी, आज नंदलाल के भोला बन जाओ भोली, घूमट निकाल के भोला बन जाओ भोली, घूमट निकाल। पाले पड़ी है गोरी आज नंदलाल के, पाले पड़ी है गोरी आज नंदलाल के, भोला बन जाओ भोली, घूमट निकाल के भोला बन जाओ भोली। एक लहरीदार चूंदर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूंदर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ घूमट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूमट निकाल के। अब भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ को अपनी तरफ खींच लिया। मना परीक्षण करते हैं, गोपी है गोपा है। और भगवान भोलेनाथ ने जबरदस्ती घूंघट ऊपर उठाया, उलट दिया घूंघट न टिकट ने, बोले हैं मुस्काए, बोले हैं मुस्काए, बोले हैं मुस्काए, ना बोले हैं मुस्काए, ना बोले हैं मुस्काए। फिर उसी रोज से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए कहलाए। कि उलट दिया घूंघट न टिकट ने, बोले हैं मुस्काए। उसी रोज से भोले बाबा, एक नाम पढ़ा है, कौन सा नाम, गोपेश्वर नाथ। आज भी निधिवन से 1 किलोमीटर दूरी पर वो मंदिर है गोपेश्वर नाथ का। बोलिए गोपेश्वर नाथ की जय। उसी रोज से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए कहलाए। गीत भी जिंदर के और बोले जवाहर लाल के, भोला बन जाओ भोली घूमट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूमट निकाल के। एक लहरीदार चूंदर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूंदर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूमट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूमट निकाल। हाँ।
भोला बन जाओ होली घूंघट सुन का। प्रभु ने काम को हराया, ये जो महाराज किया था वो काम को हराने के लिए किया था। भगवान श्री कृष्ण के मस्तिष्क पर एक लकीर नहीं आई थी। एक सूचना दी हुई है हमारे सुभारती टीम की तरफ से, मैं भूल गया था। सुभारती टीवी जो है, जो सुभारती चैनल है, आप अपने घर पे भी देख सकते हैं। टाटा स्काई पर चैनल नंबर 1082, एयरटेल पर चैनल नंबर 698, SCATV पर चैनल नंबर 556 पर देख सकते हैं, और ICE केवल चैनल नंबर 576 पर देख सकते हैं। बाकी YouTube, Facebook, Twitter, Instagram पर ये उपलब्ध है, वहाँ भी देख सकते हैं। और अभी जो ये कथा का लाइव प्रसारण हो रहा है, Facebook, YouTube अशोक कृष्ण ठाकुर जी आप डालेंगे तो आपको लाइव चलती हुई दिखाई देगी। इसको आप जितने भी बैठे हुए हैं सब आगे शेयर भी कर सकते हो। आप मत करना, रहने दो, कथा में डिस्टर्ब होगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आज सुभारती चैनल से हमारे RP सिंह जो CEO साहब हैं वो भी आए थे, समय की थोड़ी मर्यादा थी इसलिए चले गए, और उनका और उनकी टीम का हमारे समस्त भक्त मंडली की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जितनी भी टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है कि धर्म के प्रचार प्रसार को TV के माध्यम से जन जन तक, घर घर तक पहुँचा रही है। एक बार जोरदार ताली बजा करके सुभारती टीम के लिए जोरदार तालियाँ बजा करके अभिनंदन करेंगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस कथा को जो है आप अपने घर पे भी देख सकते हो। ये जो कथा जो आ रही है डी लाइव आएगी, जब ये कथा ब्राह्म हो जाएगी उसके एक दो दिन बाद आपको समय व्हाट्सएप फेसबुक के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आइए, तो इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रभु ने काम पर विजय पाया, काम को परास्त किया। इरास पंचाध्यायी है, और कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि वो प्रभु हर जीव में विराजमान है। काम पर विजय प्राप्त प्रभु ने करी, ये कामार्थ लीला थी। अब कहते हैं कि एक बार श्री नारद जी कंस के पास पहुंचे। ध्यान देना, अब कंस की तरफ चलते हैं, कंस महाराज का जरा उद्धार कर देते हैं। एक बार नारद जी कंस के पास आए और कहने लगे, महाराज अभी तक तुम्हारा जो दुश्मन है कृष्ण अभी तक जिंदा है। पर महाराज क्या करूं, जितने भी राक्षस जाते हैं उन सबको मार देता है। तो नारद जी कहते हैं एक काम करो, क्यों ना कृष्ण को तुम यहीं बुला लो, तुम्हारे पास में एक धनुष है शिव जी का दिया हुआ, और शिव जी ने कहा है कि जो इसे तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा, पता भी चल जाएगा। तुम्हारे पास इतने सारे राक्षस हैं, इतने सारे पहलवान है, उस बच्चे को बुलाना और मार देना। तो कंस कहता है, महाराज आपने तो मेरा मार्गदर्शन करा दिया, बिल्कुल सही कहते हो। तो देख लो महाराज, मैं कुछ नहीं चाहता, शनिवार आए, शनिवार वाले दिन आप ये काम कर दो, चेता रख दिया। उधर भगवान श्री कृष्ण के पास आए, प्रभु गाय चरा के आ रहे थे, कहने लगे प्रभु प्रणाम। प्रणाम, प्रभु अभी तक मरा नहीं है वो दुष्ट कंस। प्रभु कहते वहां क्या कह के आए हो, है ना, पानी से आग लगानी और पानी से बुझाने वाली मशीन है नारद जी, इधर से उधर उधर से उधर बेड़ावाड़ी लगे रहते हैं, पर वहां क्या कह के आए हो, प्रभु आप तो जानते हो मेरा काम ही है राक्षसों का उद्धार कराना। तो इस प्रकार से कन्हैया को बोल दिया, शनिवार तक प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता, शनिवार तक हाँ आपके हाथों से उसका उद्धार चाहता हूँ, मृत्यु चाहता हूँ। तो कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि अक्रूर जाओ वृंदावन जाओ और नंद जी के जो दो बालक हैं कृष्ण बलराम उनको लेकर के आओ। मन किस लिए, मन यज्ञ रचा रहे हैं, यज्ञ में वो आएगा उसको मार देंगे। अक्रूर मना करने लगे, तो कंस कहता है क्या अक्रूर तुम भूल गए, मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो। तो अक्रूर जी कहते हैं इस दुष्ट के हाथ से मरूंगा, इससे अच्छा है कि गोविंद को ले आता हूं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी एक घंटा
और चलेगी कथा कम से कम। आज की बात है, पूरे जितनी भारत सिटी सोसाइटी है सबसे गर्भबद्ध प्रार्थना है भैया थोड़ा और बर्दाश्त कर लो, इतना किया है तो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो महाराज अक्रूर जी कृष्ण को लेने के लिए जा रहे हैं, सुबह से शाम हो गई सोचते हुए जा रहे हैं, जबकि मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है, पैदल भी जाए जाए तो 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा लगेगा। और जैसे ही प्रभु गायचराग के वृंदावन में प्रवेश कर रहे थे वहीं अक्रूर जी की मुलाकात हो गई। अक्रूर जी से कन्हैया कहते हैं काका राम राम। अक्रूर जी कहते हैं तो मेरा नाम भी जानता है। बन काका हम तो न्यू जाने तुम काय का जी आए हो, पर है सके तो मैया का जी मत बताइयो कि हम हाँ कंस के पास ले जाने। मैया तो न्यू क्यों मेलो देखवा दिखावे का जी ले जा रहे हैं। कंस ने धनुष यज्ञ रचाया और मेला देखने के लिए बुलाया है। तो अक्रूर जी जैसे ही नंद महल में आए, नंद बाबा कहने लगे अक्रूर जी वैसे तो तुम्हारा घर है लेकिन कुछ खास प्रयोजन हो तो बताओ किस लिए आए हो। तो अक्रूर जी कहते हैं कि कंस महाराज ने यज्ञ रचाया है, वहां मेले का आयोजन हो रहा है और दोनों लालाओं को बुलाया है। और जब मैया यशोदा ने इतना सुना तो मैया की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी मैं कन्हैया को नहीं जाने दूंगी, मैं लाला को ना जाने दूंगी, मैं अपनी आंखों से ओझल नहीं देखना चाहती कन्हैया को। और मैया रोधन कर रही है। और जब आधी रात हो गई ना तो मैया यशोदा ऐसे माथे पर हाथ धर के बैठी हुई है। कन्हैया आए और कहते हैं कि मैया तुम क्यों रो रही हो, मैया तू क्यों रो रही है। देखो ये ब्रज भाषा है और ब्रज में अपने से बड़ों से तू तू बोला जाता है। जितनी मधुरता तू में है वहां वो तुम और आप में नहीं है। अगर तुम कह दिया आप कह दिया लगता है जैसे पराये हो गए। तो कन्हैया कहते हैं मैया तू क्यों रो रही है, कहां बात है। तो मैया रुधन कर रही है और कहती है कि लाला मुझे पतो चलो है कि तू तो मेरो पुत्र ना है, तू तो देवी की को पुत्र है। जब इतनी बात सुनी मैया यशोदा कहकर के कन्हैया को शांत हो गई और रुधन करने लगी, कान्हा की आंखों में आंसू आ गए। मैया यशोदा कहती है कि लाला है सके तो तुम वे एक साधारण गोपी समझ के माफ कर दियो, मैंने तो को एक मटकी के खातिर तुझे मारा था, उगल से बांधा था, तू भी क्या कहेगा कि कैसी मैया है, एक मटकी की माटी के लिए मुझको उगल से बांध दिया। कन्हैया रो रहे हैं और कहते हैं कि मैया अगर तेरे और मेरे प्रेम में कोई साक्षी है तो वो माखन की मटकी तो है, वही याद रखने लायक कोई चीज है तो माखन की मटकी है। लाला ऐसा कहते तुम वो एक साधारण गोपी समझ करके माफ कर देना। और ये खबर पूरे ब्रजमंडल में फैल गई, कोई परदेशी आया है और कन्हैया को ले जाना चाहता है। पूरे ब्रजमंडल के ग्वाल वाल सब घर के बाहर आ गए, गोपियां बाहर आ गए और सब कहते हैं कि शाम में सकारे जाएंगे मेरे नैने मरेंगे रोए, कि शाम में सकारे जाएंगे और नैने मरेंगे रोए, बिदना ऐसी भोर कर कि बिदना ऐसी रहने कर, भोर कबो नहीं हो भोर कबो नहीं हो, कि विधाता कुछ ऐसा कर दे कि कल सुबह हो ही नहीं पूरी रात रहे। और जैसे ही सवेरा हुआ कन्हैया ने दरवाजा खोला तो देखते हैं असंख्य गोपियां हैं, असंख्य ग्वाले हैं, एक तरफ गाय खड़ी है एक तरफ बछड़े खड़े हैं और सब उदास हैं, सब रुधन कर रहे हैं। और कन्हैया जैसे ही चलने लगे तो गोपियां रथ के सामने लेट गई। अक्रूर जी रथ को सजा करके जैसे ही बढ़ाने लगे तो लेट गए,
सब कहती हैं कान्हा मथुरा की ओर चला, हम सब से नाता तोड़ चला। कान्हा मथुरा की ओर चला, हम सब से नाता तोड़ चला। सब रुदन कर रही है, रो रही है। एक गोपी जब रथ के सामने आ गई तो दो चार सखियां कहती हैं, अरी तू कैसी, तुम शर्म लहाज ना रही, गांव के बड़े बूढ़े देख रहे हैं। तो गोपी कहती है, कैसी शर्म, जब इन प्राणों से आत्मा निकल रही हो तो शर्माना नहीं चाहिए। हमारे प्राण बल्लभ जा रहे हैं, हमारे नाथ जा रहे हैं, कन्हैया जा रहे हैं, तो कैसी शर्म। और एक गोपी वृक्ष पर बैठी हुई है और वो कहती है कि कागा सब तन खाइयो, कि कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मां, पर दोने ना मत खाइयो, तुम्हें पिया मिलन की लार, जिन श्याम मिलन की। चिकन ही आ जा रहे हैं, कभी वापस आएंगे कि नैना उनकी राह तकेंगे, उनको देखेंगे। देते ही अक्रूर जी ने रथ को बढ़ाया, चलने लगे। मैया यशोदा रोती रोती आ रही है, अरे रथ को रोको तो सही, मेरे लाला को रोको तो सही, अरे मेरे लाला को रोको। गिरती पड़ती आ रही है, बलराम जी कहते हैं भैया मैया रोती हुई आ रही है, जरा संभालो उसको, आंखों में आंसू है। और कन्हैया रथ से उतरे और जाकर के मैया यशोदा को अपने अंक में बन लिया और कहते हैं मैया तुम क्यों रोती हो, मैं परसों आ जाऊंगा, आप क्यों रोती हो। सब गोपी ग्वाले मैया सुधा रोधन कर रही हैं और राधा रानी भी रोने लगी। तो कन्हैया कहने लगे राधा रानी मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं यहाँ। कहते हैं ये ग्वाले गोपी सबके मर गए होते अगर राधा रानी ना होती तो। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। तो राधा रानी को उनका दायित्व सौंपा, इन सबको आप संभालो। और प्रभु जैसे ही मथुरा की तरफ चलने लगे, अक्रूर जी से कहने लगे कि बाबा हमें भूख लग रही है, बाबा हमें भूख लग रही है। तो अक्रूर जी कहते हैं ये कोई नारायण ना है भैया, अभी तो यह भूख लग रही है तो ये कोई नारायण ना है, शंका करने लगे। तो अक्रूर जी जैसे ही स्नान करने के लिए नदी में गए तो चतुर्भुज रूप में कन्हैया ने दर्शन दे दिए। अक्रूर जी कहने लगे ऊपर आके देखते हैं, रथ पे बैठा हुआ है, फिर भीतर जाते हैं जल में, फिर देखते हैं वही है। यकीन हो गया कि हाँ ये वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और कन्हैया जैसे ही मथुरा में आए तो नंद बाबा भी कुछ लठाधारी गोपों को लेकर के मथुरा में पहले आ गए थे। तो नंद बाबा से कहते हैं बाबा हम मेलो देखना चाहे हैं। तो नंद बाबा कहते हैं ना बिल्कुल मत जाइए, तू गारी बहुत दे, हमारे ब्रज में कुछ दो चार गालियां हैं बहुत मशहूर हैं, सारे मारंगो हवाले बताऊंगा, और हैं दो चार, सारी नहीं बताऊंगा, मन तू गारी बहुत दे। ना बाबा बिल्कुल ना दूंगा। दाऊ जी कहने लगे हाँ बाबा ना मैं जा रहा हूँ संग, तू जा रहा हो तो ठीक है जा घूमे आओ। और जैसे ही वो मथुरा की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, सब गोपियां निकल निकल के अपनी छतों पे पहुंच गईं और पुष्प वर्षा कर रही हैं। एक कहने लगी अरे कौन है ये, और इन पे पुष्प वर्षा कैसे करे जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मन तू ना जाने ना, मन की जो गोरो गोरो सत्कार ई बलराम है और ई जो सामलो सब मन ई तो तेरा रसगुल्ला जाने साधना के ने पूछना मार दई। बनी काय को आए मथुरा में, बनी की वह कंस ने इनको मरवावे काजे या मथुरा में बुलायो है। तो ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं वो कह रही है कंस बिज मारे तो बिजली पड़ जाए निपूते, इन बालकन ने तेरे खावे आ रहे हो है। हाँ तो सब मंगल आशीष दे रही हैं, शुभकामनाएं दे रही हैं, शुभ आशीर्वाद दे रही हैं। अब जब पुष्प बरस रहे थे, कुछ कन्या के साथ में ग्वाल भी चल रहे थे, कहने लगे लाला हमें कापत होई तेरो इतना जोर को स्वागत होगो, तेरी ननसार में तेरो इतना स्वागत होगो, हम तो अच्छे से कपड़े पहन के आते, पर कहा चाहो पर अच्छे वस्त्रों की व्यवस्था हो जाए। तो धोबी घाट पे आए और मामा से बोले, जो धोबी था
उससे बोले मामा राम राम, हमारे यहाँ आज भी गांव में पूरे गांव को कोई है तो वहाँ मामा बोला जाता है, जो नाता किसी का है वो पूरे गांव में कहलाता है। तो कहने लगे मामा राम राम, धोबी नहीं बोला। अरे मामा राम राम, चले जा चले जा। अरे मामा हम राम राम कर रहे हैं। अरे चले जाओ, कंस बारे काम है वही पे करवावे का। अरे मामा ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम कंस मामा के सगे भांजे हैं, मान के सगे भांजे, हमें पता हो तू काय काजे बुलाए हो, कंस बारे काम है वही करवावे का। छोटा सा ग्वाला था वो कहने लगा कन्हैया होएगी सो देखी जाएगी, उतना बारे हाथन दिखा दे पीछे कछु होगा तो मैं खड़े हूं। तो छोटे से ग्वाले को कन्हैया ने गोदी में भर लिया और कहा कि प्यारे इन्हीं बातों ने तो, इन्हीं वात्सल्य प्रेम ने तो मुझे तुम्हारा बनाया हुआ है। और धोबी में ऐसी जबाट लगाई, ऐसी चपाट लगाई कि वो उसके प्राण पखेरु उड़ गए और धोबी वहीं की वहीं ढेर हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। और आसपास के जितने भी धोबी थे वो भी भग गए। कन्हैया ने कहने लगे भाई देख लो अपने अपने हिसाब से जो वस्त्र पसंद आए, राजघराने के पसंद थे, राजघराने के जितने भी वस्त्र थे सभी ग्वालों ने ले लिए। और जैसे ही चलने लगे तो कहने लगे कन्हैया जाते बढ़िया तो हम पहले ही है। मैंने क्यों काहे को, तू ना दिख रही, देख लटकते भाई जा रहे हैं, जैसे झाड़ू लगा रहे हो, मगेनू से लग रहे हैं ये तो। मैं कहा करें, मैंने कि जरा इनकी फिटिंग करा दे, जरा बगल बंदी मारा। हाँ चलो भाई ठीक है। फिर एक दर्जी के पास गए, और कछू लाला होगी देख जाएगी, ब्रजवासी जो ब्रजवासी होते ना उन्हें माला पहनने का बड़ा शौक होता है। बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं तो माला को दूर से दिखाते हैं, बिहारी जी स्वीकार कर लेना फिर अपने गले में पहन लेते हैं। पर और कुछ चाहिए भाई, माला भी हो गई। सुदामा जो था उसने मन के अंदर ध्यान लगाया था गोविंद का, तो गोविंद उनके घर पे गए। और कुछ कन्हैया मस्तिष्क जरा सुना है, शून्य मस्तकम तिलकम कुर्यात, जरा इस मस्तिष्क पर थोड़ा सा चंदन लग जाए तो बड़ी सुंदरता आ जाएगी, अच्छा रहेगा। तो तीन जगह से टेढ़ी कुबड़ी जा रही थी कंस महाराज को चंदन लेकर के। तो कन्हैया ने उससे पूछा देवी ये चंदन किसके लिए लेके जा रही हो, सुंदरी क्या ये चंदन हमें लगा सकती हो। तो उसने कन्हैया को देखा तो बड़ी प्रफुल्लित हुई और बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी जरूर लगाऊंगी। सभी ग्वालों को लगाया, बलराम जी को लगाया और भगवान कृष्ण को लगाया। दाऊ जी कहते हैं भैया इसको कुछ दक्षिणा भी दे दो। तो कन्हैया कहते हैं भैया ऐसी दक्षिणा देंगे, ऐसी दक्षिणा देंगे, आज तक याकू कोई ने ऐसी दक्षिणा ना दे होगी। तो कन्हैया ने उसकी एक कन्ने की उंगली पकड़ा और जोर से झटका मारा, तीन ठोर से जो कुबड़ी थी एकदम सीधी हो गई। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कंस ने मानने के लिए बड़ी रणनीति तैयार की हुई है। अब कंस ने जो है एक धनुष यज्ञ का जो आयोजन किया था, भगवान कृष्ण पहले ही यज्ञशाला में पहुंच गए और सैनिक जैसे ही रोक रहे थे, जो आचार्य जी थे वहाँ पुरोहित थे ब्राह्मण थे, कहने के आने दो कोई बात नहीं, पूजा पाठ का मामला है यहाँ सबके लिए बराबर है, आने दो। आ गए तो कन्हैया ने पूछा क्या हम इसको उठा सकते हैं, तो जितने भी सैनिक थे सब हंसने लग गए, बच्चा क्या मूर्ख जैसी बात कर रहा है। तो कन्हैया ने उठाया और भगवान शंकर का ध्यान लगाया कि प्रभु मैं आपके धनुष को तोड़ने का दुस्साहस कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। भगवान शंकर हंसने लगे, कहने लगे प्रभु अद्भुत लीला कर रहे हो आप। और भगवान कृष्ण ने देखते देखते उस धनुष को तोड़ दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। अब ये समाचार जो कंस के पास पहुंचा तो घबरा गया। अब अगर रायते में भी जीरा देखे तो कहे हट 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 हट, उसे हर जगह अपना काल नजर आए। उसने कहते महाराज आप चिंता क्यों करते हो, मैं चिंता ना करूं तो और क्या करूं। अरे महाराज हमारे पास में कोलिया पीड़ नाम का एक हाथी है, उसको हम मदरा पिला देंगे और जैसे ही वो महल की तरफ आएंगे उनको मारने दौड़ेगा, अगर पब्लिक को भी मारेगा तो कन्हैया वो पब्लिक को मारते हुए नहीं देख सकता, उसके सामने आएगा वो और हाथी उसको मार देगा। कोवलिया पीड़ नामक हाथी को जब मदरा पिलाई तो मारने के लिए कन्हैया की तरफ दौड़ा। कृष्ण बलराम ने दोनों ने एक एक जो उसके दोनों दांत थे एक
दोनों ने एक एक दांत निकाल लिया और कन्हैया ने उसके पैर को पकड़ के ऐसे घुमाया कि ब्रजमंडल में आकाश मंडल में फेंक दिया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कुल भक्त वत्सल भगवान की।